वेलकम बैक टू माई क्लास एवरी वन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू फ्रॉम यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स क्लास 12। यू नो इस साल क्या होने वाला है, हमारा सारे जो क्वेश्चन है एम सी क्यू बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ एम सी क्यू डिस्कस करेंगे। ओके, जितने भी 5 चैप्टर दिए गए फिजिकल एजुकेशन के लिए फर्स्ट टर्म के लिए, तो सारे एम सी क्यू हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो आज हम नियर अबाउट 21 एम सी क्यू डिस्कस करने वाले। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the fiber percentage depend upon the biological or hereditary factor? Okay, इसमें से कौन सा फाइबर डिपेंड करता है बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर? ठीक है, तो देखते हैं, चार ऑप्शन है हमारे इधर। फास्ट ट्विस्ट फाइबर, ओके, स्लो ट्विस्ट फाइबर, ओके, एंड बोथ टाइप ऑफ फाइबर एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ टाइप ऑफ फाइबर। ओके, बोथ टाइप ऑफ फाइबर इज डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, Which one of the following is not related with the spinal curvature deformities? Okay, जो spinal curvature deformities है, इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, kyphosis, bowleg, lordosis and scoliosis. Okay, तो इसमें से कौन सा नहीं है, आपको देख के पता चल गया होगा, bowlegs. Okay, so bowlegs is the correct answer. Now come to the question number 3. In which Olympic did women participate for the first time? Women जो participant है, सबसे पहले कौन से साल ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? ओके, ये मॉडर्न ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 1900। ओके, 1900 में फर्स्ट वुमेन ने क्या किया था, हमारे ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन व्हिच ओलंपिक गेम साइना नेहवाल एंड एमसी मेरी कॉम सिक्योर्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल ईच? ओके, कौन से ओलंपिक गेम में साइना नेहवाल और मेरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? ठीक है, 2008 ओलंपिक, 2012 ओलंपिक, 2016, none of the above. Okay, so देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2012 ओलंपिक। ओके, 2012 ओलंपिक में मेरी कॉम और साइना नेहवाल ने दोनों ने एक एक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इन व्हिच ओलंपिक पीटी उषा सिक्योर्ड 4th प्लेस इन 400 हर्डल रन? ओके, पीटी उषा कौन से ओलंपिक में उन्होंने 4th प्लेस हासिल किया था? ठीक है, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है, 1980 ओलंपिक, 1984, 1988 एंड 1992 ओलंपिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, आपको पता ही होगा, 1984 ओलंपिक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। द स्पाइनल कर्वेचर इन द गिवन इमेज इंडिकेट, ओके, इधर चार ऑप्शन दिया गया और एक पिक्चर दिया गया है। ठीक है, तो ये पिक्चर कौन सा स्पाइनल कर्वेचर को इंडिकेट करता है? ठीक है, चार ऑप्शन नहीं था हमारा, लॉर्डोसिस, काइपोसिस, स्कोलोसिस एंड द डिसिटिस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, जो नीचे का पोर्शन है आप क्या देख रहे हो, ज्यादा अंदर की तरफ है। ठीक है, लॉर्डोसिस में क्या होता है, जो नीचे का स्पाइनल है वो क्या होता है, अंदर की तरफ बैन होता है। ठीक है, तो इधर दिख रहा है आपको, जो स्पाइनल है वो अंदर की तरफ बैन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्डोसिस। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। द स्पाइनल कर्वेचर इन द गिवन इमेज इंडिकेट, ओके, तो आपको इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, ये कौन सा स्पाइनल कर्वेचर को इंडिकेट करता है? ठीक है, पहला का हमारा ऑप्शन क्या है, लॉर्डोसिस, दूसरा है काइपोसिस, तीसरा स्कोलोसिस एंड चौथा है हमारा डिसीसिस। ओके, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आपको देख के पता चल गया होगा। ओके, एकदम इजी आंसर है, ना ये काइपोसिस है, ना लॉर्डोसिस है, ना डिसीसिस है, ये क्या है हमारा, स्कोलोसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस फॉर राउंड शोल्डर इज, ओके, इसमें से कौन सा कारण रेस्पॉन्सिबल है आपका राउंड शोल्डर प्रॉब्लम के लिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा सिटिंग वेरी इरेक्ट, दूसरा ऑप्शन है स्क्राउचिंग, तीसरा ऑप्शन है स्लीपिंग ऑन हार्ड बैट, फोर्थ ऑप्शन इज वेट ट्रेनिंग। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, स्क्राउचिंग। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, व्हिच डेवलपमेंट इज मोटर डेवलपमेंट, ओके, मोटर डेवलपमेंट इसमें से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हमारा, बोन एंड मसल डेवलपमेंट, सेंस ऑर्गन, ओके, डिसऑर्डर डेवलपमेंट एंड द पोस्टल डिफॉर्मिटी। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बोन एंड मसल डेवलपमेंट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, पेंटिंग कैचिंग एक्टिविटीज आर द एग्जांपल ऑफ, इसमें चार ऑप्शन दिया गया हमारा, ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, सेंसरी स्किल डेवलपमेंट, बोन एंड मसल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हम देखते हैं, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। ओके, तो आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो में बताया ऑलरेडी, आपको इसका आंसर पता होगा ऑलरेडी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इसमें क्या किया, 3 पेयर दिया गया है और इसको मैचिंग करने के लिए आपको दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने वाला है। ठीक है, तो चूज द करेक्ट वन। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, बिग मसल एक्टिविटीज, सेकंड क्या है हमारा, स्मॉल मसल एक्टिविटीज एंड थर्ड इज अर्ली चाइल्डहुड। ओके, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए इस साइड में भी, ए क्या है हमारा, 2 to 6 ईयर, बी रनिंग एंड जंपिंग, सी पेंटिंग एंड कैचिंग। ओके, वीडियो को पॉज करो और इसको मैचिंग करने की आप कोशिश करो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1B, 2C, 3A।
Okay, now come to the question number 13. Select the correct development during the infancy state. Okay, infancy state में इसमें से कौन सा development होता है? ठीक है, moral values, okay, various senses, fine motor skill and writing skill. तो infancy होता है आपका childhood से पहले क्या होता है हमारा infancy. तो correct answer क्या है हमारा B. Okay, now come to the question number 14. Preschool children learn things by. Okay, जो preschool children होता है वो कैसे चीजों को सीखता है? Okay, चार option दिया गया हमारा इधर imagination. प्रैक्टिस लेक्चर एंड रिपीटेशन. तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. रिपीटेशन. रिपीटेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, चीजें सीखते हैं, मिस्टेक करते हैं, फिर से सीखते हैं. ठीक है, बाय रिपीटेशन दे लर्न द थिंग्स. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्लैट फुट. फ्लैट फुट के कारण क्या है? इधर चार ऑप्शन दिया गया है. वीक मसल ऑफ द फुट, ऑप्शन नंबर बी इम्प्रॉपर शूज और कैरी हैवी वेट, ओके सी हेल्दी मसल ऑफ द बॉडी, ओके एंड डी बोथ ए एंड बी. तो आपको देख के पता ही चल गया होगा वीक मसल एंड इम्प्रॉपर शूज एंड हैवी वेट कैरी करने से क्या होता है हमारा फ्लैट फुट हो सकता है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा डी बोथ ए एंड बी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. चोजन द करेक्ट वन. ओके, इधर भी हमको मैचिंग करने के लिए दिया है. फ्लैट फुट, नॉक नी, बॉलिंग्स, ओके, वाइड गैप, इनवर्ड बैंड एंड द एबनॉर्मल आर्क. ओके, एबनॉर्मल आर्क एक ही जगह पे होता है आपका, फ्लैट फुट के साथ रिलेटेड है, तो हमारा वन सी होगा. ठीक है, नॉक नी मतलब इनवर्ड बैंड होगा उस पर. टू बी एंड 3A ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका. ठीक है, वाइड गैप, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 1C कहां पे हमारा, 1C दो जगह पे है, B एंड C पे है. उसके बाद 2B कहां पे है हमारा, 2B हमारा C पे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. सेलेक्ट द करेक्ट रीजन फॉर द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन स्पोर्ट्स. ओके, इसमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो वुमेन्स है वो स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लॉ फिजिकल फिटनेस. सेकेंड है हमारा लैक ऑफ एजुकेशन. थर्ड है गुड लीगल सिस्टम एंड डी है बोथ ए एंड बी. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, आपको एक अंदाजा आ गया होगा. ठीक है, लॉ फिजिकल फिटनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो वुमेन का पार्टिसिपेट है वो बहुत ही कम होता है. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी बोथ ए एंड बी. कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. आइडेंटिफाई द बिलो गिवन पोस्टल डिफॉर्मिटीज एंड राइट द नेम्स. ओके, तो पहला आपको देख के पता चल गया होगा क्या है हमारा, लॉर्डोसिस है. ओके, दूसरा वाला क्या है हमारा, फ्लैट फुट. तीसरा वाला क्या है हमारा, स्कोलियोसिस. और जो चौथा वाला है वो हमारा क्या है, बोलिंग. ओके, पिक्चर देख के ही आपको क्या होना चाहिए, अंदाजा हो जाना चाहिए, तो ही आप करेक्ट आंसर ऐसे में लिख सकते हो. कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. काइपोसिस कैन बी क्योर्ड बाय व्हिच आसना. ओके, इसमें से कौन सा आसना से हम काइपोसिस को क्योर कर सकते हैं. सब चार ऑप्शन दिए गए इधर हमारा. पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सबासना. दूसरा क्या है, पर्वतासना. तीसरा क्या है, ताड़ासना. और चौथा क्या, धनुरासना एंड भुजंगासना. तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है हमारा, धनुरासना और भुजंगा आसना. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. ओके, लॉर्डोसिस कैन बी क्योर्ड बाय व्हिच आसना. लॉर्डोसिस कौन से आसना से हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सभासना. दूसरा है हमारा पर्वत आसना. तीसरा हलासना और चौथा भुजंगा आसना. तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हलासना. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 21. नॉकनी कैन बी क्योर्ड बाय व्हिच आसना. नॉकनी कौन से आसना से हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सभासना. दूसरा है हमारा पद्मासना एंड गोमोक्ष आसना. तीसरा है हमारा हलासना एंड चौथा है भुजंगासना. ठीक है, तो इसमें से कौन सा आसना से हम नॉकनी ठीक कर सकते हैं, देखते हैं, पद्मासना एंड गोमोक्ष आसना. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. राउंड शोल्डर कैन बी क्योर्ड बाय व्हिच आसना. जो राउंड शोल्डर प्रॉब्लम है वो कौन से आसना से हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सभासना. दूसरा पद्मासना. तीसरा हलासना. चौथा चक्रासना एंड द धनुरासना. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखते हैं हम, चक्रासना एंड धनुरासना.